हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई हो कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। तो गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, प्यार मिला, हमें सपोर्ट किए, जो जो हमारी वीडियो देखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, जो नहीं देखते उनको भी धन्यवाद। तो गाइस, हमारा 2000 सब्सक्राइबर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के ही कारण हमारा 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ है। और प्यार और दुलारा और सपोर्ट बनाए रखिएगा गाइस। तो ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही रोमांटिक वीडियो आते रहेंगे गाइस। तो जो जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उनको बहुत सारी बधाइयाँ, और जो नहीं देख रहे हैं उनको भी बहुत सारी बधाइयाँ। तो हमारा 2000 सब्सक्राइबर बहुत ही जल्दी कंप्लीट हुआ है, और करीबन 1000 सब्सक्राइबर 5 दिन में हमारा कंप्लीट हुआ है। सिर्फ आप लोगों की प्यार का बदौलत है कि 1000 सब्सक्राइबर हमारा 5 दिन में कंप्लीट हुआ। इसके लिए बहुत भारी आभारी हूँ मैं आपका। और मैं दूसरी बार बता देता हूँ कि मैं आज कुछ काम के बारे में बताऊँगा कि जो मैं आज आया हूँ, तो मैं यहाँ पे आया हूँ, अपने खेत में पानी लगाया हूँ। आप देख लीजिए, यहाँ बकुली उकली है और यहाँ पर पानी लगाए मोटर, जो कि हमको सिंचाई करना पड़ता है। और हालांकि 10 बजे से 4 बजे तक कुछ और दूसरा काम करना पड़ता है। इसके बाद वहां से आने के बाद थोड़ा खेती किसानी भी देख लेता हूं। गाइस, सिर्फ आप लोगों का मेहरबानी है, आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। और गाइस, आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। पहले हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं कैमरा के सामने किस तरह से बात करूँ, बिल्कुल हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे सीखते 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 मैं आप लोगों के सामने कैमरा में आ गया हूं, और आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच पाती है। इसीलिए दोस्तों लोग बहुत यूट्यूबर बनना चाहते हैं, बहुत सारे, कुछ लोग तो हैं यूट्यूबर बनते हैं, आईडी बनाते हैं, जीमेल एक्सेप्ट करते हैं, यूट्यूब में अपना नाम लॉगिन करते हैं, लेकिन फिर हार मान जाते हैं। हार मानने के बाद चैनल छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मेहनत का फल मीठा होता है, मेहनत से नहीं पीछे हटना चाहिए। जब हम एक छोटा सा YouTube में काम नहीं कर सकते हैं, मेहनत नहीं कर सकते हैं, और डर के भाग जाते हैं मेहनत देके, तो आगे क्या करोगे, है ना दोस्तों। यही हमारा वीडियो है, देख लीजिए, ये लिस्पिट है, ये बबूल है, यहाँ पे अरहर है, जो है तो चूहा लगा हुआ है। और आपको दिखा देता हूँ सामने से, ये हमारी यहाँ चना हो चुका है, चना की भाजी भी इस समय काफ़ी तेज़ से यहाँ हो रही है। तो दोस्तों बने रहिएगा। ये जो है तो हमारी ही मेड़ में बहुत सारी कांस हैं, और देख लीजिए यहाँ पे खेत में पानी कुछ लग चुका है और कुछ बाकी है। तो यहाँ पे जैसे सूखा है, यहाँ से पानी गुजर रहा है, देख लीजिए। तो बाकी को और सिंचाई करूँगा, देख लीजिए। थोड़ा पाइप को क्या करता हूँ, पाइप को इधर से सकेल के इधर से मैं इधर थोड़ा कर देता हूँ, ताकि पानी जो है तो इधर से जाने लगे, है ना। ये पाइप है, इसको ऐसे कर देता हूँ तो पानी जो है तो सही ढंग से जाने लगे। दूसरे रास्ते से अभी जा रहा था, अब दूसरे रास्ते से ये पानी जाएगा। ये मोटर है, यहाँ से इतना पानी बहुत कम चलता है पानी, देख लीजिए। पानी बोर है, दो फेस का है, और कीचड़ ही कीचड़, देख लीजिए। पानी पानी ही पानी 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 के बिना सब सूना है दोस्तों, पानी नहीं रहेगा कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए पानी को बचाइए। और यहाँ पे हम पैर से कर देता हूँ, और ये 3 बकुलियाँ हैं जो कि डरती नहीं है और अपना पेट जीवन यापन कर रही हैं। वहाँ पे गलरी भी हैं, और जो दिखाई दे रहा है वो अपना घर है, गांव है, थोड़ा दूर में पड़ रहा है वीडियो में। तो दोस्तों, और हमारा 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने की वजह से आप लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो मैं गूगल एडसेंस, जिससे यूट्यूब का पैसा आता है, जिससे यूट्यूब का, अगर गूगल एडसेंस ना बनाया जाए तो यूट्यूब चैनल बनाने से कोई मतलब नहीं। अगर 2000 और 4000 घंटा वॉचिंग टाइम कंप्लीट हो जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
यूट्यूब एडसेंस के लिए। एडसेंस के ही द्वारा आपको यूट्यूब में पैसा मिल जाता है ना गाइस। तो दोस्तों यूट्यूब से ही पैसा मिलता हो, जो कि मैं अप्लाई करवा दिया हूँ, कर दिया हूँ। और देखिए अप्लाई किया हूँ, कैसी खुशखबरी आती है वहाँ से, कैसा आता है। यूट्यूब कभी कभी रिजेक्ट भी कर देता है। तो आप लोगों को प्यार अगर सही होगा तो कभी नहीं होगा, सही सक्सेस होगा। और जब सक्सेस हो जाएगा तो मैं वीडियो में धमाल मचा दूंगा, वीडियो में एकदम से धमाल मचा दूंगा। और भगवान से यही दुआ करिए, करूंगा कि हमारा सफल हो और आप लोगों की मेहनत अधूरी न रहे क्योंकि हमारी वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों तो वीडियो में बने रहिएगा। मैं यहाँ पे सिंचाई करता हूँ, यहाँ गौची है मेरी, मैं यहाँ चारा भी घास काट लिया हूँ, ये भी काम करता हूँ। ये गेहूँ है जो कि यहाँ भी सींचना है हमें, यहाँ भी सिंचाई लगाना है तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो कुछ भी कोई मतलब का नहीं है। यहाँ पे चिड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं पानी के, यहाँ जुरई खा रही हैं। और ये चना है अपना ना। और जो भिंडी हुई थी उसका बिया दाना इस तरह से काट के साइड कर दिया गया है, अब कोई ले जाने वाला नहीं है। ये अरहर है, ये अरहर है देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत अरहर है, ये पेड़ है। और हो सकता है हो जाए खाने पीने के लिए, अगर हो जाएगी तो थोड़ा अच्छा ही रहेगा। इस थोड़ा शाम भी होने वाली है और जो कि हमें थोड़ा घर में कुछ ज़्यादा ही काम करना है क्योंकि हमारे पिताजी घर में नहीं है, यूपी गए हैं। और घर में रहते थे तो कुछ में कुछ वो काम हमारा आधा थेम लेते थे, कार कर लेते थे, लेकिन अब उनके जाने के बाद यूपी गए हैं तो यूपी जाने के बाद हम ही को कुछ जिम्मेदारियां निभाना पड़ता है। और इसी के कारण हमको, मैं आया तो पानी लगाने, नहीं तो हमारे पिताजी सब थेम लेते हैं, कार कर लेते हैं। और कुछ घास भी लिया हूँ तो इसको भी घर में पहुँचाना पड़ेगा ताकि गाय मवेशी पशु पक्षी जो भी हैं तो उनको खाने के लिए हो जाए, तभी उनको होगा। तो गाइस अगर भूल चूक हुई हो इस वीडियो में तो हमें माफ़ करिएगा क्योंकि अभी थोड़ा मैं नया यूट्यूबर हूँ और जो भी बात इसमें गलती पाई जाए माफ़ किया जाए। और अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बेल आइकन का घंटी दबा दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर पुराने हैं तो कोई बातें नहीं, बहुत ही अच्छे आदमी हैं। और इसके साथ मैं अब चलता हूँ, अभी घास लेता हूँ और गांव जाऊँगा और घर जाऊँगा क्योंकि ठंड भी पड़ रहा है, थोड़ा जैकेट वगैरह भी पहन के आऊँगा। इसके बाद मैं भी फिर आऊँगा क्योंकि हमें पानी लगा हुआ है, टेंशन रहता है, ढाल है ज़्यादा, धार बनी हुई है, ढाल ज़्यादा है तो पानी लगाना पड़ता है। अब बिना पानी लगाए पानी लगता नहीं है तो अभी जाऊँगा, जैकेट वगैरह पहनूँगा, इसके बाद फिर से आऊँगा गाइस। तो यही हमारा रहा ब्लॉग, तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो स्किप नहीं करिएगा, पूरी वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद, मैं अब घर जाने वाला हूँ, जो भी गलती हो माफ़ किया जाए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय वंदे मातरम।